हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ होली के लिए स्पेशल मालपुआ। मालपुआ बनाने के लिए मैंने लिया है ये कटोरी से एक कटोरी, और ये थोड़ा सा कम है दूसरी कटोरी। ये मैदा 250-260 ग्राम के करीब होगा, और मैंने ये चीनी ली है इस कटोरी से, ये करीब 160 ग्राम होगा। ये भी डाल दिया मैंने इसमें। ये सूजी देखिए इतना है, 40 ग्राम के करीब है, इसको भी डाल दिया। और ये खोआ 20 ग्राम है। होली है तो मैं थोड़ा स्पेशल पुआ बना रही हूँ, इसलिए खोआ का यूज़ किया है मैंने। अगर आपके पास खोआ नहीं है तो इस जगह पे आप 2 चम्मच प्योर घी डाल दीजिए। और ये सूखे मावे लिए हैं मैंने, काजू और बादाम है, उसको अच्छे से कूट लिया है। और ये थोड़ी सी इलायची पाउडर। अब इन सभी इंग्रेडिएंट्स को डाल के अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ज़्यादा मोयन नहीं देना है, नहीं तो पुआ टूटने लगता है। हल्का मोयन दे करके इसको मिक्स कर लेना। अब इसको दूध डाल के घोल तैयार करूँगी। पानी के साथ भी घोल सकते हैं। दूध के साथ मैंने इसको घोल लिया है। आप थोड़ा दूध और थोड़ा पानी भी डाल सकते हैं। अब इसमें मैं थोड़ा पानी मिक्स कर दूंगी। अच्छे से हाथ से घोल तैयार कर रही हूँ मैं, ताकि इसमें कोई लम्स नहीं रहे। और चीनी मैंने इसमें डाला है, आप चाहे तो पानी या दूध में भी चीनी को घोल सकते हैं, लेकिन मैं इसमें डाल के मिक्स करती हूँ हमेशा, मैं तो इसलिए मैं इसी तरह से बना रही हूँ। अभी इस तरह से घोल मैंने तैयार कर लिया है, लेकिन अभी इसमें मैदा, सूजी, चीनी सब घुलेगा। इसको आधे घंटे से 45 मिनट के लिए आप सेट होने के लिए छोड़ दें। जब तक वो मैदा सेट हो रहा है मालपुए का, मैं ये हैक्स ट्राई कर रही हूँ। ये देखिए फूल गया सूजी, ये ठीक हो गया। इतना गाढ़ा नहीं होना चाहिए मालपुए का घोल, नहीं तो मालपुआ बहुत ही मोटा बनेगा। इसमें अभी थोड़ा सा पानी या दूध कुछ भी हम मिक्स करेंगे। एक साथ पानी नहीं डाल रही हूँ मैं, थोड़ा थोड़ा करके डालूँगी। नहीं, घोल की कंसिस्टेंसी इतनी होनी चाहिए। देखिए अब घी या ऑयल जिस भी चीज़ में आप तलना चाहें, अगर आप रिफाइंड ऑयल में तल रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा प्योर घी मिला दें, पुआ का टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और घी जब अच्छे से गर्म हो जाए तब उसमें ये घोल डालें। जब इस तरह से लाल हो जाए पुआ तो इसको आप निकाल लें। फिर मैं एक कढ़ाई में इस कटोरी से, आधे कटोरी से ज़्यादा, 3/4 कटोरी चीनी लिया है, और इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी चाशनी बनाने के लिए।
चाशनी को बहुत गाढ़ा नहीं करना है, इतना ही गाढ़ा रखना है ताकि मालपुआ में अच्छे से कोट हो जाए। अब चाशनी में कुछ बूंदे एसेंस की केवड़ा एसेंस डाल दिया मैंने, इसको अच्छे से मिला लूँ, पूरे को इसमें डुबो दें, ज़्यादा देर नहीं छोड़ें, हल्का कोट करें बिल्कुल, ये तो बहुत मीठा हो जाएगा। इस तरह से करके सारे पूरे दाल डाल के निकाल लें। इस तरह से थोड़ी सी चाशनी में पूरे मालपुआ को मैंने डुबो करके निकाल लिया। दोनों में डिफरेंस देखिए, आपको नजर आ रहा होगा साफ साफ। ये पूरा मालपुआ बन गया है, होली के लिए बिल्कुल रेडी है। अब आप इसको गुलाल के साथ सर्व कीजिए। इस तरह से मालपुआ बन के पूरा रेडी हो गया, आप भी बनाएं, मेहमानों को खिलाएं, खुद भी खाएं। हैप्पी होली फ्रेंड्स। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।